एक जगह जो ख्वाब से भी ज्यादा हसीन है, एक जगह जहां प्रकृति रंगीन है, कहीं छुपी हुई है हिमाचल की इन वादियों में, जाकर यहां के मैं खो गई हूँ रूहानियत में। पूछेंगे नहीं इतनी खूबसूरत सी जगह कौन सी है? आज का वीडियो है अबाउट जीबी, जो हिमाचल प्रदेश के बंजार और तीथन वैली में सिचुएटेड है। लास्ट वीडियो पे मैंने बताया था यहाँ आना कैसे है, नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज का वीडियो है अबाउट अगर आप जीबी आते हैं तो आपको कौन सी जगह जरूर घूमनी चाहिए, सो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो सबसे पहले वाई जीबी, जीबी ही क्यों? एक्चुअली लॉकडाउन के बाद हम एक ऐसी जगह जाना चाहते थे जहाँ क्राउड ना हो, नेचर के पास हो एंड हम वर्क फ्रॉम माउंटेन्स कर सकें। तो हमने थोड़ा रिसर्च किया एंड जीबी एक अच्छा ऑप्शन लगा, तो बस हम निकल पड़े जीबी के लिए। कैसा रहा हमारा वर्क फ्रॉम माउंटेन्स आने वाले वीडियो में जरूर बताऊंगी। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप जीबी आ रहे हैं तो कौन सी जगह आपको घूमनी चाहिए। तो सबसे पहली जगह जो हमने एक्सप्लोर की वो है मिनी थाईलैंड। हाँ जी, मिनी थाईलैंड इंडिया में। मिनी थाईलैंड बहुत कम लोगों को पता है, बट यकीन मानिए ये एक हिडन जेम है। हमको भी यहाँ के बारे में एक लोकलाइज से पता चला, तो हमने सोचा देखते हैं कैसा है यहाँ का थाईलैंड। तो मैं और भाविन निकल पड़े इसको एक्सप्लोर करने के लिए। रास्ता थोड़ा अंदर की तरफ है तो आपको ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो गाइस हम लोग थोड़ा आगे निकल आए हैं, हम लोग वापस जा रहे हैं। तो हम लोग वॉक करके जा रहे थे तो हमें समझा नहीं कहाँ से जाना है। तो जब भी आप आ रहे हो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना, बिकॉज ज़्यादा एक किलोमीटर है लगभग ये जहाँ हम रुके हैं वहाँ से। सो वी थॉट वी विल जस्ट वॉक। एक पुली का तंदी का बोर्ड आता है, वहाँ से अंदर जाना होता है। आगे एक बहुत स्मॉल सा ट्रैक है जो बहुत ब्यूटीफुल ट्रीज से घिरा हुआ है। वो पेड़ों और ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स का मजा लेते हुए हम फाइनली पहुंच गए मिनी थाईलैंड। एंड बिलीव मी गाइस, जैसे ही हम वहां पहुंचे वी कुड नॉट बिलीव हम इंडिया में हैं। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ये मिनी थाईलैंड एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे शांति है, सिर्फ वाटरफॉल की आवाज़ है, एकदम ब्लू वाटर, एक क्लियर ब्लू वाटर, नॉट लेस देन हेवन। वहाँ कुछ हमारे जैसे और भी ट्रैवलर्स थे, एक छोटा सा क्यूट सा डॉगी था एंड सब नेचर का आनंद उठा रहे थे। कुछ लोग स्विमिंग कर रहे थे, कुछ लोग वहाँ से क्लिफ जंप भी कर रहे थे एंड कुछ लोग बस हमारे जैसे प्रकृति को एंजॉय कर रहे थे। हम लोग थोड़ी देर वहाँ बैठे, चिल मारा, नेचर का लुफ्त उठाया एंड इंडिया में रह के थाईलैंड जाने वाली फीलिंग ले ली। हमें ऐसे लगा जैसे शायद स्वर्ग कहीं और नहीं बल्कि हमारे बीचों बीच है, बस हमें पता नहीं चलता। पानी एकदम ब्लू है, वो रॉक्स एंड वहाँ की लोकेशन सब जैसे एकदम परफेक्ट है। तो आप भी ये लोकेशन पर जरूर जाइएगा, बट प्लीज एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो कचरा मत फैलाइए, बिकॉज इट विल डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। सो लेट्स कीप इट द वे इट इज, रॉ एंड ब्यूटीफुल। तो कैसे लगा आपको मिनी थाईलैंड? आई एम श्योर बहुत अच्छा लगा होगा। तो दूसरी जगह जहाँ हम जाने वाले हैं वो भी कुछ कम नहीं है, ये जीबी वाटरफॉल है। यहाँ तक आप कार से भी जा सकते हैं या फिर वॉक करके भी जा सकते हैं। रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, हम वहाँ वॉक करके गए एज हम अपना व्हीकल नहीं लाए हैं एंड वॉक करने में ही तो माउंटेन्स पे असली मज़ा है, क्यों? गाइस हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स वाटरफॉल, बहुत सुंदर सा वाटरफॉल है जीपी में एंड आई एम रियली एक्साइटेड, लेट्स गो अहेड एंड सी कैसा है ये जो वाटरफॉल का ट्रिप है। ये आप मिनी थाईलैंड के साथ कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि दोनों आसपास हैं, तो एक ही दिन में आप एक स्ट्रेच में इसको कवर कर सकते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं टुवर्ड्स द वाटरफॉल, आज थोड़ा रश है यहां पे। वहां आप पहुंचेंगे तो आपको मेन गेट मिलेगा व्हिच विल लीड यू टू वाटरफॉल।
वहां पहुंच के आप कुछ हिमाचली वुलन्स एंड कैप्स भी शॉप कर सकते हैं। मेन गेट से थोड़ा अंदर की तरफ वॉक करना पड़ता है टू रीच द मेन वॉटरफॉल। बीच में सुंदर से ब्रिजेस हैं जिसको भी क्रॉस, एंड जैसे ही वहां पहुंचेंगे यू विल जस्ट वांट टू जंप इनटू द वॉटरफॉल। यहां भी पानी क्रिस्टल क्लियर है। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं वॉटरफॉल, और अब मेरे पीछे देखो कितना सुंदर सा वॉटरफॉल है। थोड़ा सा क्राउड है यहाँ पे, काफी फैमिलीज आई हुई है। We also went into the waterfall and पानी बहुत ठंडा था, एकदम chill but pure and एकदम साफ। वहाँ अंदर जाने में ठंडे पानी का डर तो लग रहा था, but once we went in तो लगा अगर waterfall तक आके नहीं नहाए होते, नहीं पानी में गए होते तो बहुत कुछ मिस कर दिया होगा। तो ऐसा था हमारा experience, आप खुद ही देख लीजिए। And हम यहाँ सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार गए, क्योंकि ये जगह ही कुछ इतनी एडिक्टिव सी है। तो ये भी मस्त विजिट प्लेस है जीपी। इसके अलावा जीपी में जलोरी पास भी है, ये जवानी है दीवानी की शूटिंग वहीं हुई थी। आई विल शो यू द ट्रैक फ्रॉम द जलोरी पास इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। एंड आज के वीडियो में बस इतना ही, बट फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट जाने से पहले एक रिचुअल जो जरूरी सा है सुन लीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो प्लीज मुझे बताइए क्या नहीं अच्छा लगा, सो दैट आई कैन इम्प्रूव अपॉन। एंड डू सब्सक्राइब, शेयर करिए, लेट्स इंक्रीज दिस कम्युनिटी एंड लेट्स travel virtually together to lot of places in India and abroad, and keep smiling, keep traveling, keep exploring. Bye bye for today.